अब इसे जिसे आप पीछे देख रहे हैं, इसे हल्के में मत लीजिए। ये एक बार बाइक पर सवार हो जाए तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये 8 घंटे का सफर है या 12 घंटे का सफर है, ये बैठी रहती है। अब जब से इन दोनों को पता चला है कि मैं लद्दाख जाने वाला हूँ इस साल, ये कहता है मैं जाऊंगा लद्दाख, ये कहता है अरे नहीं नहीं मैं जाऊंगा लद्दाख, तू मत जा। तो लद्दाख जाने की एक्साइटमेंट तो सबको हो रखी है। अब देखना अभी भी बाकी है कि मेरे साथ लद्दाख के इन दोनों में से कौन जाएगा। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल, टू योर चैनल एंड टू आवर चैनल द रोलिंग नोमैड। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिक, बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। तो शुरू करते आज का ये ब्लॉग लेकर अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव। लद्दाख 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 फॉर द लास्ट 1 ईयर और मे बी लिटिल मोर देन दैट, पिछले 1.5 सालों में एक धुन सी सवार हो रखी है कि लद्दाख जाना है, कब जाऊं, कब प्लान होगा कि हम फिर से लद्दाख होकर आ पाए। दरअसल बात यह है कि 2022 में इन 2022 माई फ्रेंड्स एंड आई, माई स्कूल फ्रेंड्स, सम ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स एंड आई, वी हैड बीन टू लद्दाख। None of my school friends with whom I had been to Ladakh are motorcyclists by spirit. I happen to have missed the spirit of what it means to be in Ladakh. तो मतलब हम जो biker लोग होते हैं उनका एक खैर चलो सपना तो होता ही है कि इंडिया में हो और लद्दाख ना हो हमारे बकेट लिस्ट में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम बाइकर्स का तो रहता ही है कि मोटरसाइकिल लेके एक बार लद्दाख जाना ही पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट टू, अगर आप नॉन बाइकर्स को भी ले लो, लद्दाख अपने आप में ही एक ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को जाने का एटलीस्ट एक बार तो मन रहता ही रहता है। तो जब से मैं अपने दोस्तों के साथ घूमकर वापस आया हूँ, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स इट्स एज इफ समबडी हैज कास्ट अ स्पेल अपॉन मी कि दोबारा बहुत जल्द प्लान करना है और इस बार मोटरसाइकिल लेकर लद्दाख आना है। थोड़ा पेट्रोल फिल करा लेते हैं, पेट्रोल बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। लद्दाख के लिए प्लान कर रहे हैं, थोड़ी है ना अपनी विटामिन एम, थोड़े पैसे बचा लेते हैं। तो बस वही सोचकर हमने जो है ऑफिस कैब से ऑफिस जाना चालू कर दिया। तो उस वजह से पिछले ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों से बाइक मेरी बहुत ज़्यादा चली नहीं है, तो इसलिए
चलाने के लिए निकल गए हैं और पेट्रोल भी भराना था, और साथ ही साथ हमने सोचा कि इसी बहाने थोड़ा एक छोटा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं। और शूट करने का एक मेन रीज़न ये भी था कि मुझे अपने एक्शन कैम के सेटिंग्स से थोड़ा खेलना था, थोड़ा सेटिंग्स कैसे क्या करने से कैसा आउटपुट निकलता है वो टेस्ट भी करना था मुझे, जो मैंने पहले, क्योंकि मैं मोस्टली दिन के टाइम में राइड किया करता था, एटलीस्ट दिन के टाइम में शूट किया करता था राइड करते वक्त। राइड तो हालांकि रात को भी करे हैं मैंने, लेकिन जो शूट अब तक मैं कर रहा था वो नॉर्मली जो ऑटो सेटिंग्स होते हैं कैमरा में, उन्हीं सेटिंग्स के मदद से मैं कर रहा था। तो अब मैं, क्योंकि धीरे धीरे लद्दाख के लिए रेडी हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा कैमरा सेटिंग्स को लेकर खेलने का भी मूड हो गया, क्योंकि पता रहना चाहिए कि कैमरे में क्या करने से कैसा आउटपुट निकलता है। सो आई वॉज डूइंग सम रिसर्च ऑन यूट्यूब अबाउट द सेम, तो मुझे लगा कि अभी शाम के टाइम में निकलेंगे तो थोड़ी लो लाइट वाली सेटिंग भी रहेगी, तो सेटिंग्स का थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा। थोड़े मैंने मैनुअल को देखकर, ऑनलाइन में कुछ वीडियोस देखकर लो लाइट वीडियो शूटिंग के लिए सेटिंग्स को थोड़े से मैनिपुलेट किए मैंने, तो अभी घर जाके पता चल जाएगा कि व्लॉग का आउटपुट कैसा रहा। और ये भी आप लोगों से शेयर करना था कि क्योंकि अब लद्दाख के लिए धीरे धीरे सारा कुछ तैयारी चल रही है हमारी, इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल की तैयारी, फिर जो है अपने हेल्थ की तैयारी, फिर अपने पॉकेट की तैयारी, ये सारा कुछ जो है तैयारी पिछले कुछ महीनों से दिमाग में रह रहा था, पर अब मौका आ गया है कि उन सब को हम मटेरियलाइज करें, उन सारे प्रिपरेशंस को एक के बाद एक हम हकीकत में बदलें और फाइनली जो है लद्दाख के लिए तैयार हो जाए, है ना। तो बाइक की तैयारी के लिए तो फिलहाल अब मैं कुछ वक्त के लिए ये सोचा था कि डोमिनर लेके जाऊं कि इंटरसेप्टर लेके जाऊं, हालांकि आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल टेकिंग माय इंटरसेप्टर टू लद्दाख। डोमिनर जब आप ऐसे टेरेन में जाते हो जहाँ पे हिल्स हो, थोड़े अपहिल क्लाइम्स हो, जो इनिशियल टॉर्क रहता है इंजन का वो अगर थोड़ा ज़्यादा रहे तो बहुत ही मज़ा आता है। जो बॉटम एंड टॉर्क रहता है इंजन में, अगर वो सफिशिएंट रहे, जो कि ऑब्वियसली डोमिनार के बदले मेरे इंटरसेप्टर में काफ़ी ज़्यादा है, तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर मुझे चॉइस करने दिया जाए तो मैं इंटरसेप्टर लेकर ही जाना शायद पसंद करूँगा, अगर मेरे पास चॉइस हो तो। अगर ना हो तो वो अलग बात, क्योंकि डोमिनर लेके भी मैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पे गया हूँ पहले, बट अब क्योंकि अपने पास इंटरसेप्टर है तो आई एम मोर कीन ऑन टेकिंग इंटरसेप्टर। ना है दिख जाए, तो हाँ, तो मुझे मन है इंटरसेप्टर लेकर जाने का। थोड़ी सी प्रिपरेशन हम बाइक के लिए भी कर रहे हैं, जैसे कि अब 15-16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पे हम लोग राइड करेंगे, तो जैसे अपने को भी फिजिकली थोड़ी तैयारी लेकर जानी पड़ेगी, उसी तरह से मैं बाइक को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, इन द सेंस कि मैंने कुछ टाइम पहले इंटरसेप्टर पे जो है जो फ्यूलेक्स का प्रो मॉडल आता है, विच अलाउज यू
to play with the fuel settings. तो जैसे कि आप हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हो तो एयर इनटेक ऑक्सीजन लेवल्स क्योंकि कम हो जाते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स में, तो आप एयर इनटेक को सेम रखते हुए आप फ्यूल इनपुट के साथ खेल सकते हो, फ्यूल इनपुट को उस हिसाब से घटा सकते हो, विच विल हेल्प यू इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ द एयर एंड फ्यूल मिक्स. एंड कंसिक्वेंटली अगर आप सी लेवल के करीब होते हो या लोअर ऑल्टीट्यूड में होते हो तो उस वक्त आप रिचर सेटिंग चूज करके, क्योंकि लोअर लेवल्स पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो आप फ्यूल का अमाउंट भी बढ़ाकर यूज़ कर सकते हो फॉर ए मोर एनरिचिंग राइड एक्सपीरियंस. तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव स्लैप्ड ऑन माय इंटरसेप्टर इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एज ए प्रेपरेशन टुवर्ड्स माय लद्दाख राइड. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वाज नॉट पर्टिकुलरली इंटेंडेड विद लद्दाख ऑन माय माइंड, बट मुझे थोड़ा सा है ना अपने बाइक में पावर फिगर को मुझे एनहांस करना था, जिसके लिए मैंने पावरट्रॉनिक का इश्यू ऑर्डर तो कर दिया था, फिट भी करा लिया था, पर वी रैन इनटू सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज विद दैट अपैरेटस. तो वो अभी फिलहाल डिस्कशन में है एंड आई हैव बीन इन टच विद द रेस डायनामिक्स टीम इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट इश्यू. तो वो एक ग्लिच है. We are yet to figure out whether that issue is being caused by the powertronic unit itself or if it's because of some other issue on my motorcycle, such as probably some corroded metallic contact in one or more connectors. तो वो सारा कुछ sort out करना बाकी है. पिछले हफ्ते भी मैं Race Dynamics के ऑफिस को होकर आया था. अपेरेंटली इट डिड नॉट हेल्प अस मच, तो अभी फिर से टाइम निकाल कर जाना पड़ेगा मुझे. तो देखते हैं. वो एक चीज़ है जो इस डायरेक्शन में हेल्प करेगी कि जब मैं उतने हायर ऑल्टीट्यूड्स में इतना वेट लेकर चल रहा होगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरी पार्टनर रहेगी और अलॉन्ग विद दैट विल हैव quite a significant volume of luggage also. If you are traveling for 15 days, 15 dinon ke liye luggage bhi kuch khas kam nahi hoga. To thoda sa agar powertronic ke help se aur aftermarket exhaust ke help se boost mil jata hai, that is going to help us in bettering the riding experience. So with that in mind, ye teenon cheeze hain जो कि है फ्यूलेक्स प्रो का इंस्टॉलेशन, पावरट्रॉनिक यूनिट का इंस्टॉलेशन और जो पावर एज एग्जॉस्ट मैंने इंस्टॉल करा है, ये सारा कुछ मैंने अभी फ़िलहाल कर रखा है. अपकमिंग अपग्रेड्स में मुझे ब्रेक्स को अपग्रेड करना पड़ेगा. आई डोंट फील वेरी कॉन्फिडेंट विथ द एग्जिस्टिंग ब्रेक्स ऑन माई मोटरसाइकिल. द ब्रेक पैड्स could have been better. तो वो एक चीज़ है जो मुझे चेंज करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट श्योर ये अभी के जो प्रेजेंट टायर्स हैं वो टायर्स कितने किलोमीटर और चलेंगे बिफोर दे नीड अ स्वाप आउट, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा. सो या आई मीन ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर, एक एक करके जो है मैं लद्दाख के लिए बाइक को तैयार कर रहा हूँ. अब पैसे भी काफ़ी खर्चे होते हैं, तो जब मन किया तब मॉडिफिकेशंस कभी कभी नहीं हो पाते हैं, एक के बाद एक ही हो पाता है. हालांकि जब मॉडिफाई एक बार कोई बाइक का शौकीन इंसान मॉडिफाई करना चाहता है, वो ये भी कर लेना चाहता है, वो भी कर लेना चाहता है, ये भी फिट करना चाहता है, वो भी फिट करना चाहता है. पर
अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो अपना भी कुछ कहानी वैसा ही है। हाँ, तो अभी फिलहाल मुझे काफ़ी हद तक लो लाइट सेटिंग को टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। अभी जिस तरह से रोड पे लाइटिंग है, इट्स जस्ट वेहिकुलर लाइट्स एंड ज़्यादा दुकान भी नहीं दिख रहे हैं आसपास, तो बहुत ज़्यादा ग्लिट्सी या फिर लिट एनवायरनमेंट नहीं है। तो यहाँ से हम मुड़ा लेंगे और वैसे भी आगे कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है। कोतनूर जाके फ़ायदा नहीं है, मुझे ब्लॉक का फुटेज ब्लॉक नहीं करना है। चलो यहाँ से हम लेते हैं मोड़ और चलते हैं हम अपने घर की ओर। Alright, तो मैं लद्दाख के बारे में आप लोगों से बोल रहा था कि लद्दाख वैसे तो जाने के लिए कई सारे रूट्स हैं, पर अब मुझे और मेरे जो दो राइडिंग बडीज़ के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उनको छोड़कर मेरे साथ होगी मेरी पिलियन, मेरी पार्टनर, मेरी वाइफ, और साथ ही साथ मेरे साथ होगा मेरा एक भाई, मेरा एक कज़िन, जिसको बहुत लंबे अरसे से शौक़ रहा है कि वो लद्दाख हो आए, लद्दाख देख ले, तो हमने उसको भी अपने प्लान में इंक्लूड किया है। तो प्लान में तो इंक्लूड कर लिया हालांकि सबको, चारों को, पर दो के बारे में मुझे अब तक ऐसा पता नहीं है कि वो फिज़िकली एंड्योर कर पाएंगे कि नहीं उस टेरेन को, उस क्लाइमेट को, क्योंकि क्लाइमेट को एंड्योर करने से ज़्यादा जो मुश्किल आपको फेस करने में मिलता है वो होता है जब चेंज होता है क्लाइमेट का, जब चेंज होता है टेरेन का, वो जो एडाप्टेशन होता है, वो जो क्लाइमेटिक एक्लिमेटाइजेशन होता है, दैट इज़ एक्चुअली ए मोर डिफिकल्ट फेज देन बीइंग देयर एंड राइडिंग इन दैट टेरेन और दैट क्लाइमेट। सो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ग्रुप में बातचीत, अभी तो हालांकि बस कुछ ही दिन पहले ग्रुप हमने तैयार किया है। ग्रुप इसलिए तैयार किया, मैं अभी फ़िलहाल हूँ बैंगलोर में और मेरे जो राइडिंग दोस्त हैं वो हैं, उनमें से एक है दिल्ली, एक है अगरतला जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, त्रिपुरा, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा स्टेट है।
तो आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग पे, और पसंद आए तो बिल्कुल मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे जानने का मौका दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास कोई इनपुट्स हो जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं बिल्कुल शेयर करने से कतराइए मत। कमेंट सेक्शन आपका है, आप मेरे साथ रूबरू होने के लिए कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं अपने राइड के दौरान आप लोगों के लिए ला सकता हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आप लोगों के लिए ऐसा कुछ ला सकूँ जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो हाँ, बस बने रहिए और क्या। मैं जैसा कि बोल रहा था कि मुझे अगर चॉइस मिले तो मैं बिल्कुल इंटरसेप्टर को लेकर जाऊंगा, क्योंकि उसमें लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है और वो बहुत ज़्यादा मददगार और फ़ायदेमंद साबित होता है जब आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे राइड करते हो। तो कल से ऑफिशियली मैंने लद्दाख के लिए प्रिपरेशन चालू कर दिया है। बाइक को प्रिपेयर करना, स्पेशली इंटरसेप्टर को प्रिपेयर करना, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल दिमाग पे इंटरसेप्टर ही है जिसको मैं लेकर जाना चाहूँगा। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है अपना सफ़र अगले आने वाले कुछ महीनों में, जिस दौरान हम लोग प्रिपेयर करेंगे लद्दाख के लिए। बाइक को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी सारा कुछ चाहिए होगा जैसा कि आपने वीडियो में देखा, और क्या, व्लॉग तैयार कर रहे हैं। ये व्लॉग आज अपलोड हो जाए तो एक ऑफिशियल शुरुआत हो जाएगा मेरे लद्दाख के राइड के लिए, और एवरी ऑल्टरनेट डे आई एम गोइंग टू अपलोड व्लॉग्स विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, प्रिपेयरिंग माई मोटरसाइकिल्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी।